नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सापित खजाना, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। राजा सैंती सिंह को खजाना प्राप्त होने की खबर डाकू वज्रवाहु तक भी पहुंच गई थी। खजाना खजाना, संसार का सबसे बड़ा खजाना एक दिन केवल मेरे पास होगा। राजा सैंती सिंह खजाने को दोनों हाथों से लुटा रहा था। हमें पता होता कि महाराज अपने पत्नी के निधन के शोक में धन बांटेंगे तो हम पहले ही उनके निधन की दुआ करते हैं। अबे हिम्मत कर, बूहू कर। महाराज, आप व्यर्थ ही चिंता ना करें, आपके दूसरे विवाह में दहेज थोड़ा अधिक ले लेंगे। वेश बदलकर बाकेलाल के साथ वहां पहुंचा हुआ था राजा घुटाल अकबक भी। कमाल है, राजा अपना खजाना इस प्रकार क्यों बांट रहा है? मुबारक हो महाराज, सारा खजाना भिखारियों के वेश में यहाँ उपस्थित आपके ही सैनिक को मिल गया। मगर ये कमबख्त डाकू वज्रबाहु इस राज्य में कब आएगा? थोड़ी देर बाद। मुबारक हो महाराज, खजाना समाप्त हो गया। परंतु वो प्रसन्नता क्षणिक की थी। अरे, हमारे हाथों से उछलकर खजाना वापस कहां जा रहा है? महाराज, खजाना वापस आ गया। क्या तुमने शपथ ली है? बोल गए, तुमने मेरे अधिग्रहण से पूर्व शपथ मंत्र बोलते समय क्या कहा था? ना फेंकू ना दूं। साथ ही ये भी कहा था कि कोई छीने ले जाए, लूटे ले जाए, जीते ले जाए। डाकू वज्रबाहु तक यह समाचार अवश्य पहुंचेगा कि मैं खुलेआम खजाना लेकर घूम रहा हूं। राजा सैती सिंह को क्या हो गया है बाकेलाल? वो अपना खजाना इस प्रकार खुलेआम लेकर कहां जा रहा है? बड़े बड़े राजा एक बार जो वस्तु दान कर देते हैं उसे वापस अपने पास नहीं रखते। तब तो हमें उसके पीछे लगे रहना चाहिए, शायद वो खजाने को कहीं फेंकने जा रहा है। खजाने का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ ही पहुंचा डाकू वज्रबाहु। खजाना छोड़कर भाग जाओ, डाकू वज्रबाहु आ गया। यही है वज्रबाहु, सेनापति, कुठार निकालकर हाथ में ले ले। अरे, आपके सैनिक कहां गए? लगता है उनके पेट फिर खराब हो गए हैं, वो सब उधर झरने की ओर जा रहे हैं। राजा, जान प्यारी है तो खजाना छोड़कर भाग जा, अन्यथा तलवार की नोक पर टंगी ये मुंडी देख ले। ये भी इनकार नगर का राजा था, इसने मुझे अपना खजाना देने से इनकार किया था। ओ टांकू जी, मैं अपना सिर वहां आपकी तलवार की नोक पर नहीं टंगाना चाहता। आप खजाना मुझसे छीन लो, साथियों खजाना को अपने अधिकार में ले लो। डाकू वज्रबाहु खजाना लूटने चला। मुबारक हो महाराज, खजाना लूट गया। जब से कंबक मिला था कोई ना कोई संकट टूट ही रहा था। सापित था वो खजाना, बला टली। बाकेलाल राजा घुटाल को उकसा रहा था। महाराज, हमें डाकू वज्रबाहु के पीछे रहना होगा और अवसर पाते ही आपको सेनापति को उसका सिर कुठार से जुदा कर देना होगा। सरदार, हम इस रास्ते से नहीं जा सकते। क्यों सरदार? पिछली दफा हम इसी रास्ते से अपने गुफा की ओर जा रहे थे तो एक कंबक चूहा आपके सर आपके ऊपर चढ़ गया था। चूहा? अभी भी उसका नाम सुनकर आपका पजामा उतर जाता है। वो तो शुक्र है कि इस समय आप घोड़े पर सवार हैं। तुम ठीक कहते हो, राह बदल लो। हिन ओह, अब समझ में आया कि अचानक कभी कभी मुझे अपनी पीठ गीली गीली क्यों लगने लगती है। महाराज, यही अवसर है, डाकू का सिर धड़ से जुदा कर दीजिए। सरदार के मरते ही उसके साथी घबराकर भाग खड़े होंगे और तब हम खजाने पर अपना अधिकार कर देंगे। ठीक है बाकेलाल, किंतु खजाने पर अधिकार हम नहीं, केवल मैं करूंगा। राजा घुटाल और उसके सैनिक ने राजा वज्रबाहु पर आक्रमण कर दिया। डाकू वज्रबाहु, तेरा अंतिम समय आ गया है। अरे, ये तो तलवार की नोक पर टंगे सिर से भी नहीं डर रहे हैं, कहीं इन्हें पता तो नहीं लग गया कि ये नकली सिर है। और मेरी तलवार पर जो लहू टपकता दिख रहा है वो टमाटर की चटनी है जो मैं भोजन के समय चाट जाता हूँ। सरदार,
हम तो भागते हैं गुफा को, क्योंकि हमें साफ है कि अगर हमने गुफा के अलावा कहीं भी लड़ने की चेष्टा की तो मारे जाएंगे। आज तक आपके भय के कारण लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, किंतु आप लड़ सकते हैं क्योंकि आपका शरीर वज्र का है। वो मारा। अब डाकू के मरते कुठार सेनापति को भी मार डालेगी। काश इस कुठार का पता मुझे चला होता, मैं इसका प्रयोग मोटे मुच्छर पर करता। किंतु इस बार मोटा ही मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मोटे ने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि अगर मोटे विक्रम सिंह की बात सही है तो एक कुठार राजा घुटाल के सेनापति का ही नहीं, मेरा सिर धड़ से जुदा कर चुकी होती। ये तो मुझे मुझे ही मार रही है। बाकेलाल, उस कुठार ने तो मेरे सेनापति को भी मार डाला। सेनापति तो दूसरा भी मिल जाएगा, मगर इतना बड़ा खजाना तो नहीं मिलेगा। अरे ये चीखने के स्वर कहां से आ रहे हैं? बचाओ! ओह, भालू से सुसज्जित ये गड्ढा शिकारियों ने शिकार पकड़ने के लिए खोदा होगा। गड्ढे पर घास ढके होने के कारण ये घुटाल के सैनिकों को दिखाई नहीं पड़ा होगा और वो एक के बाद एक इसमें गिरते चले गए होंगे। और अब यहाँ पर बचा है केवल राजा घुटाल, इसे भी गड्ढे में धक्का देता हूं ताकि फिर खजाने पर मेरा अधिकार हो जाए। मेरे सैनिक, अरे इसे बाण किसने मारा? मैं राजा हसरत हूं, इधर आखेट के लिए आया था। अभी अभी मैंने इस ओर एक मृग पर तीर छोड़ा था, मृग की चीख सुनकर ही मैं इधर आया हूं। अवश्य ही उसे मेरा तीर लगा होगा। कहां है मेरा शिकार? ओह, वो बाण तुमने चलाया था? तुम्हारा छोड़ा बाण मिर्ग को नहीं मर्द को लगा है, और वो चीख का स्वर मिर्ग का नहीं उसी राजा घुटाल अकबर का था जो तुम्हारे बाण लगने से घायल हो गया है। और शुक्र है कि बाण कंधे पर लगा है। मेरे पास ऐसा पालतू कुत्ता है जिसके चाटने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है, ये बच जाएगा। अरे खजाना, इतना विशाल खजाना! पायो जी, मैंने विशाल रत्न धन पायो। ये खजाना राजा घुटाल अकबक का है। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कर रहे हो? इसको एक बाण और मारकर इसको हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं ताकि ये खजाना मेरा हो जाए। अब ये खजाना मेरा हुआ। खबरदार, ये खजाना मेरा है। ओह, तो फिर थोड़ा रुक जा, मेरा सेवक को ये बजाने दे। पी, क्या अब भी तू कहेगा कि ये खजाना मेरा, ये खजाना तेरा है? अब मैं क्या, मेरे स्वर्गीय पिताश्री भी ऐसा नहीं कह सकते। कड़ा धार, मरा। कचरा रे कारे कारे बादल। राजा दशरथ पर बेज की डाल स्वयं ही कैसे गिर पड़ी? सैनिकों पर बिजली गिर पड़ी। खजाने को और मुझे महल ले चलो, घायल सैनिकों को भी शीघ्र ही राज वैधशाला में पहुंचाओ। आखिर ये माजरा क्या है? राजा हसरत और उसकी सेना के प्रस्थान के पश्चात ये खजाना जिसे भी मिलता है उस पर संकट टूट पड़ते हैं। पहले यह संकट टूटा राजा सैंती सिंह पर, किंतु शीघ्र ही खजाने से पीछा छुड़ाने का निर्णय लेकर वो जान जाने से बच गया। सैंती सिंह से ये खजाना लूटा डाकू वज्रबाहु ने, संकट टूटा उस पर। डाकू वज्रबाहु का वध किया राजा घुटाल अकबक के कहने पर सेनापति ने, और खजाना मिला घुटाल अकबक को। तब संकट टूटा राजा घुटाल पर। राजा घुटाल से खजाना छीना राजा हसरत ने, और उस पर संकटों के पहाड़ टूटने का श्री गणेश हो चुका है। इन सब घटनाओं का तात्पर्य ये हुआ कि खजाना अभिशप्त एवं शापित है, अर्थात ये जिसके पास भी रहेगा उस पर संकट ढाएगा। और इन संकटों का अंत खजाना धारक की मृत्यु है। तो फिर वो मारा। वो तो हम भी देख रहे हैं बाकेलाल जी, आपने डाकू मारा है, और डाकू भी डाकू वज्रबाहु। अब अगर वो खजाना किसी प्रकार से राजा विक्रम सिंह तक पहुंच जाए तो राजा पर टूट पड़ेगा संकटों का पहाड़।
जिसमें वो गवाएगा अपने प्राण। शीघ्र ही बाकेलाल ने महाराज को डाकू बज्रबाहु के अंत का समाचार दिया। किंतु बाकेलाल, अंत तुम्हारे हाथ नहीं हुआ? जी हाँ महाराज, अनायास ही मेरे हाथ से कुठार राजा घोटाल ने छीन कर उससे उसका वध कर डाला। मोटे, यदि मैं उस दिव्य कुठार का प्रयोग करता तो वो कुठार मेरा भी वध कर डालती। मुच्छर मुझे मरवाना क्यों चाहता है? कहीं इसे मेरे शरणकारी होने का आभास तो नहीं हो गया? बाकेलाल, डाकू वज्रबाहु का अंत तो हो गया, किंतु तुम सौ को ढोकर यहाँ लाए हो। अब पवित्र स्नान के लिए तुम्हें अंतिम सरोवर में जाकर डुबकी लगानी होगी। यह अंतिम सरोवर कहाँ पर है महाराज? राजा विक्रम से अंतिम सरोवर का पता जानकर बाकेलाल कक्ष से निकल गया। तब महाराज, ये आपने क्या किया? आप तो जानते हैं कि उस अंतिम सरोवर में स्नान करने पर क्या होता है। हाँ जानता हूं, तब भी आप बाकेलाल के प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं? वो सब तुम नहीं समझोगी। मैं समझ गई, स्वप्न में बाकेलाल को अपने विरुद्ध षड्यंत्र करता थे उससे भयभीत होकर आप उसे समाप्त कर देना चाहते हैं। तुम चाहे जो समझो, किंतु मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अरे बाकेलाल, तुम अभी तक गए नहीं? वो महाराज, मैं तौलिया ले जाना तो भूल ही गया था, वही लेने आया हूं। मैं तौलिया लेकर आती हूँ। बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंचा अंतिम सरोवर पर। यह विशालगढ़ का अंतिम सरोवर है। क्विक, आते जाते राहगीर यहां से गुजरते हुए इसमें स्नान करते हैं, किंतु इससे पूर्व बाकेलाल सरोवर में कूद पड़ता। ठार जमानो, अरे बाप रे, राक्षस! मानो मैं हूं राक्षस तिलिस्मासुर और यह है राक्षस ताकतु। हम दोनों काफी समय से युद्ध कर रहे हैं, किंतु हमारे बीच हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा है। तुझे हमें कोई ऐसा उपाय बताना होगा जिससे हमारे बीच हार जीत का तुरंत फैसला हो जाए, अन्यथा तेरे प्राणों की खैर नहीं। बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता से चला। वो देखो, ये पवित्र शीतल सरोवर है। युद्ध करते हुए तुम्हारे शरीर धूल एवं पसीने से कीचड़ कीचड़ हो रहे हैं, क्यों ना तुम दोनों उस सरोवर में कूद जाओ? इससे तुम दोनों के शरीर पर जमा कीचड़ भी साफ हो जाएगा और तैरकर जो सर्वप्रथम दूसरे किनारे पर निकलेगा वो होगा विजेता, और तब तक मैं यहां से हो लूंगा दुड़की। ये उपाय अच्छा है, हम कूदते हैं। मैं बच गई। तुम तो बत्तख हो। नहीं, मैं मानव ही हूं और ये तिलस्मी सरोवर है। इसमें स्नान करने वाला तुरंत बत्तख बन जाता है और फिर तब तक बत्तख बना रहता है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आकर इस सरोवर में स्नान नहीं करता, और यदि उस व्यक्ति से पूर्व आ गया राक्षस तिलिस्मासुर तो वो उस बत्तख का भक्षण कर जाता है और तिलिस्मासुर यहीं पर उपस्थित है। मैं तो चला। बाकेलाल, तुमने अच्छा उपाय बताया। शायद तुम्हें पता नहीं कि इस सरोवर में मैंने ही ऐसा तिलिस्म छोड़ा हुआ है। वो देखो, राक्षस ताकतु बत्तख बन गया। अब वो आसानी से मेरा शिकार बन जाएगा और उसके बाद फिर मेरे तिलस्मी सरोवर के शिकार तुम बनोगे। मोटे ने षड्यंत्र रचकर मुझे यहाँ भेज दिया। मैं राक्षस ताकतु को हजम करने आता हूँ। राक्षस ताकतु को हजम करके तिलिस्मासुर बाके को सरोवर में डुबाने ले चला। अगर इसने मुझे सरोवर में फेंक दिया तो मैं बत्तख बन जाऊंगा। बाके कर, शीघ्र कुछ कर। फिर जैसे ही तिलिस्मासुर ने बाकेलाल को सरोवर में फेंका, ये फंदा सीधा राक्षस की गर्दन में जाकर नहीं पड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। होनप्पा द की होऊंगा। एक छपाक का स्वर और हुआ और छपाक, बाके बन गया बत्तख। बक बक क्विक। किंतु दूसरे क्षण बत्तख बन गई बाकेलाल। बेटा बाकेलाल, जल्दी कर, तैर किनारे की ओर। फिर किनारे पर पहुंचकर विजय मुद्रा में बाकेलाल ने सरोवर की ओर देखा। क्यों बेटा तिलिस्मासुर, फंस गया ना अपने बिछाई जाल में? मैं जानता था कि मेरे बत्तख बनने के बाद मैं अपने पूर्व रूप में तभी आऊंगा जबकि कोई अन्य व्यक्ति सरोवर को स्पर्श करेगा।
यही सोचकर मैंने सरोवर में गिरते गिरते पानी को स्पर्श करने से पूर्व भी रस्सी का फंदा तेरे गले में डाल दिया था। जैसे ही मैं पानी में गिरा, रस्सी के झटके से तू भी पानी में आ गिरा। मैं बत्तख तो बना किंतु क्षण भर के लिए, क्योंकि तेरे सरोवर स्पर्श के साथ ही मैं अपने सही रूप में लौट आया और तू बन गया बत्तख। ऐसा होने से इस सरोवर का तिलस्म टूट चुका है और अब मैं कभी भी इस तिलस्म रूप से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। अब तो बाकेलाल के क्रोध का पारा पारावार नहीं हो रहा था। मोटे मुच्छर राजा विक्रम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। उन तेरा की होगा तिलिस्म असुर। बाकेलाल अति शीघ्र पहुंचा महल में राजा विक्रम सिंह के सम्मुख, मगर इससे पूर्व कि वो कुछ कह पाता, राजा विक्रम सिंह कह उठा, बाकेलाल, राजा हसरत ने विशालगढ़ के सिंहासन को चुनौती दी है। वो कहता है कि उसका खजाना हमारे खजाने से बड़ा है। अब युद्ध से वह पता लगाना चाहता है कि ताकत में हम में से कौन अधिक बलवान है। हमें उसकी ललकार का उत्तर युद्ध से ही देना होगा। इस युद्ध का सेनापति मैं तुम्हें बनाता हूं, तुम्हें उस खजाने पर अपना अधिकार करना है। भाग्यलाल, सेना तैयार करो। किंतु महाराज, यही तो मैं चाहता था। ये युद्ध मैं राजा विक्रम सिंह की ओर से लड़ूंगा और जीतूंगा भी। जीतूंगा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं इस संकटों का मारा राजा हसरत खजाने के वास्तविकता जानने के पश्चात स्वयं भी इस खजाने से पीछा छुड़ाना चाहता रहा होगा। राजा हसरत अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा था। इस खजाने ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा महल गिर गया, मेरी टांग टूट गई, मेरा अपना खजाना कोयले में परिवर्तित हो गया। विशालगढ़ की सेना आ गई। युद्ध का ऐलान करो सेनापति, आक्रमण। अरे, ये तो केवल 4 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने आया है। भागो, ये तो बहुत सारे हैं, हम हारे तुम जीते। मैं जानता था कि ये केवल खजाने से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है क्योंकि खजाना वो यहीं पर छोड़ गया है। अब ये खजाना राजा विक्रम सिंह का हो गया है। खजाने को ले जाकर राजकोष में जमा करो। बाकेलाल, तुम्हारे स्पर्श के साथ ही मैं साप मुक्त हो गया। क्या? किंतु मैंने तो पहले भी स्पर्श किया था। हाँ, किंतु तब तुमने अंतिम सरोवर के जलाशय में स्नान नहीं किया था। राज्य पर आई विपत्तियां छट गई। ये मोटा कौन सी विपत्तियों की बात कर रहा है? बाकेलाल, स्वप्न में मैंने जब तुम्हें अपने विरोध संयत करते हुए पाया तो मैं इसका रहस्य जानने ऋषि स्वप्न अर्थाचार्य के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे बताया कि आधी रात को आया स्वप्न का फल हमेशा उल्टा होता है। स्वप्न के अनुसार बाकेलाल तुम्हें संकटों से बचाएगा। अब संकटों का पता करने के लिए मैं ऋषि संकट पता लगाया चार्य के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे कुठार, सापित खजाने और तिलस्मी सरोवर के विषय में बताया। मैं जानता था कि इस संकटों से यदि विशालगढ़ को कोई बचा सकता है तो वो तुम ही हो बाकेलाल, और मेरा सोचना हमेशा की तरह सही सिद्ध हुआ। और मैं समझती रही कि तो फिर बाकेलाल देवपुच्ची बेडागर, इन संकटों का पता सबसे पहले मुझे क्यों नहीं चला। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के राज कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।